नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा आपको आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो लॉकडाउन का समय है, इस समय का हम सदुपयोग करते हुए आज मैं आपके सामने कुछ जबरदस्त जानकारियां शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में रहता है कि इंटरव्यू के लिए मैं तैयारी कैसे करूँ, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कैसे करूँ, किसी बुक से सीखूं, किसी एप्लीकेशन से सीखूं, मैं क्या करूं जिसके थ्रू मेरी स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट हो जाए, अच्छी हो जाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने चार बेसिक्स बताने जा रहा हूं जो कि अति महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आज आपके सामने आएगी। कोई भी विद्यार्थी, आपके परिवार में बच्चे, भाई बहन जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनके साथ मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर टिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण किसी भी भाषा को सीखने के लिए वो होता है उसका एनवायरमेंट, वातावरण। अगर दोस्तों आपको किसी ऐसे देश में छोड़ दिया जाए जहां पर केवल इंग्लिश ही बोली जाती है, कुछ ही दिनों में आप धारा प्रवाह अंग्रेजी खुद ब खुद बोलने लगेंगे। मतलब महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें माहौल काम करता है, एटमॉस्फेयर काम करता है। पहली बात, सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने आसपास उन लोगों का माहौल तैयार कीजिए, एनवायरमेंट तैयार कीजिए जो उस भाषा पर अपनी कमांड रखते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उनके साथ अपनी दोस्ती बनाइए दोस्तों और सीखना शुरू कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज एनवायरमेंट हुई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है दोस्तों वो है रीडिंग। रीडिंग क्या है दोस्तों? आप न्यूज़पेपर एक या दो पेज पढ़ सकते हैं, किसी छोटे बच्चे की बुक पढ़ सकते हैं, किसी बड़े बच्चे की बुक पढ़ सकते हैं, कोई सी भी बुक उठाकर कम से कम 20 मिनट रोजाना आपको पढ़ना है, और वो भी जोर जोर से पढ़ना है, लाउडली रीडिंग करना है दोस्तों। अगर आप लाउडली रीडिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो टंग है, जो जिह्वा है, वो उन वर्ड्स के लिए फ्लेक्सिबल होने लगी और देखते ही देखते आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगे। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इसका राइटिंग। रीडिंग के साथ साथ एक या दो पेज आप लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप इसको आदत में लाएंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, साथ ही साथ आपको भाषा पर भी अच्छी कमांड हासिल हो गई है। तो दोस्तों, सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज एनवायरमेंट, दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने देखी क्या दोस्तों? रीडिंग और राइटिंग। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चौथा इसका आधार स्तंभ है दोस्तों, वो है स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि मैं बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो मेरे बारे में क्या प्रतिक्रिया देगा। इनकी चिंता मत कीजिए, आप किसी और के हिस्से का मत सोचिए। अगर आपको सोचना है तो केवल 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 अंग्रेजी में सोचिए दोस्तों। देखते ही देखते जब आप अंग्रेजी में सोचेंगे, लोगों को प्रतिक्रिया देने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी भाषा पर जबरदस्त कमांड हासिल होगी। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो चार आधार स्तंभ होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और एनवायरमेंट, ये चारों मुख्य आधार माने जाते हैं दोस्तों। तो आप निश्चित रूप से किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं दोस्तों, और अपनी भाषा पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन का भरपूर उपयोग कीजिए, कम से कम सुबह के 2 घंटे रोजाना दीजिए दोस्तों, और जैसे ही आप ये 2 घंटा देना शुरू करेंगे, इन 21 दिनों में आप पाएंगे एक जादुई परिवर्तन आपके अंदर हो रहा है, एक जादुई ऊर्जा आपके अंदर संचार हो रही है। और जैसे ही आप ये 21 दिन कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि जिस लक्ष्य को लेकर आपने ये मिशन शुरू किया था, ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, देखते ही देखते वो प्रोजेक्ट पूरा होने लगा और आप बहुत जल्द अपने आप को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता हुआ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।